हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बर्फबारी होने के कारण बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों अब हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के बारे में है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि इसके अंदर ओनली पीजी कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन्वाइटेड सिर्फ यूजीसी या यूजीसी सीएसआर नेट डीबीटी ICMR नेट इनके लिए ही मांगा गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये बताई है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की है। सबसे पहले इंस्टेंशियल एलिजिबिलिटी के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने 55% मार्क्स मांगे हैं मास्टर डिग्री के अंदर, और 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है SC ST OBC और PWD कैटेगरी वालों के लिए, और UGC या UGC SR नेट ICMR DBT इनका कोई सर्टिफिकेट है तो वही अप्लाई करें इनको। तो ये एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है, और इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया है दोस्तों, और ये लिंक दी हुई है जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और नोटिफिकेशन की भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों इन्होंने बताया है कि आपको 500 रुपये पेमेंट करनी है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में 500 रुपये की पेमेंट करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप SBI पोर्टल पर जाके 500 रुपये फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, इन्होंने हार्ड कॉपी भी मांगी है, तो ये हार्ड कॉपी आपको ये एड्रेस दिया हुआ है इस पर आपको सेंड करनी होगी, और ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में मार्कशीट ग्रेड कार्ड सर्टिफिकेट जो भी हो, और सिनोप्सिस जो आपकी जिस पर आप रिसर्च प्रपोजल जो आप जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हो या प्रपोज कर रहे हो तो उसकी कॉपी भी आपको लगानी होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है कि आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इस एड्रेस पर भेजिए सिनोप्सिस के साथ में। और यहाँ पर कुछ आगे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दी हुई है, तो इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। ये 31 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया था, और इसकी लास्ट डेट 18 फरवरी रहेगी, और इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आएगी, बाद में दिखा दी जाएगी। और यहाँ पर कुछ सीट मैट्रिक्स दी हुई है जो कि इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बांट दी गई है, तो हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट देख सकते हैं उनमें, जिनमें कि बंगाली, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सोशोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, स्टेटिक्स, इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, ये कुछ 15 सब्जेक्ट हैं। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पर रिसर्च एरिया भी बताया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च एरिया भी देख सकते हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये रिसर्च एरिया आप स्क्रीन पोज करके देख सकते हैं। ये कुछ रिसर्च एरिया है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है, और ये सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह भी बताया हुआ है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है 500 वर्ड का जिसके अंदर आप रिसर्च करना चाहते हो, और ड्रेस टेस्ट और इंटरव्यू आपका डिपार्टमेंट द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। ये कुछ प्रोसीजर इन्होंने बताया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।